जी आज की वीडियो शुरू कर रहे हैं। आज की पार्टी के लिए हम बनाएंगे अचार गोश्त। अचार गोश्त के लिए एक ये लंबा सा बीफ का टुकड़ा है, अंडर कट उसका, इसको छोटा छोटा काट लेंगे। काट के बाकी चीज़ें बाद में दिखाते हैं। 3 बड़े प्याज, 3 बड़े टमाटर गोश्त काट के ये जाएगा प्रेशर कुकर में, और इसके अंदर जो मसाले फिर डालते हैं फिर आपको दिखाते हैं। एक दालचीनी का टुकड़ा, एक मोटी इलायची, चंद टुकड़े हैं इसमें काली मिर्च के, ये राई दाना है, सरसों के बीज, थोड़ी सी आपको अजवाइन नज़र आ रही होगी, 2-3 लौंग हैं। अब इसके अंदर जाएगी करवंजी, खूब सारी, मुझे अच्छी लगती है। ओके, इसके बाद साबुत धनिया डाल सकते हैं, मेरे पास अभी इस टाइम नहीं है, तो कुटा हुआ धनिया, घर का पिसा हुआ कुटा हुआ धनिया है, 1 चम्मच के करीब सूखी मिर्च है, थोड़ी सी कम कर लेंगे ज़्यादा क्योंकि इसमें अभी सब्ज़ मिर्चें जाएंगी, आधी चम्मच के करीब हम इसमें हल्दी डालेंगे और इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, रंग आएगा अच्छा सा। ओके, और इसलिए ये मैं थोड़े मसाले डाल रही हूँ क्योंकि ये जाएंगे गोश्त के अंदर, फिर हम दोबारा बनाएंगे मिर्चों के में भरने के लिए। इसमें जाएगा थोड़ा सा ज़ीरा और ये हमारा मसाला बन गया अचार गोश्त का, अचार गोश्त में डालने के लिए। ये सीधा जाएगा इसके अंदर। इसमें डालेंगे लहसुन अदरक के 2 बड़े खाने, 1, और ये 2, थोड़ा सा निकाल लेती हूँ। ये चला गया लहसुन अदरक इसमें। अब इसको डालेंगे थोड़ा सा पानी, इसको दे देंगे दम और इसको तकरीबन फुल डन कर लेंगे। फिर इसमें डालेंगे हम सरसों का ऑयल, अच्छी तरह भूनेंगे, और चीज़ तो मैं भूल ही गई, थोड़े से जाएंगे इसके अंदर सौंफ, तकरीबन आधा चम्मच के करीब, मेन चीज़ है इसकी सौंफ, ये कैसे भूल गई मैं। अच्छा, ये अब इसको देते हैं प्रेशर। अब सब चीज़ें डाल दी, से मैंने समोसे निकाल लिए हैं, ये जाएंगे अब इधर ताकि गर्म रहें। ये आम है, इसमें ये खाना गर्म रहता है, इसमें इसको बंद कर देंगे। इसमें हम डालेंगे चिकन बिरयानी के लिए ताकि जल्दी तैयार हो जाए और मैं दूसरी तरफ बिरयानी का मसाला बनाऊँ। बिरयानी के लिए 2 किस्म का मैंने गोश्त लिया है, लेग पीस हैं और विंग्स हैं, तकरीबन 4 किलो के करीब ये गोश्त है। इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा तंदूरी मसाला और इसमें बाकी मसाले जाएगा नमक, मिर्च, लेमन जूस और दही। डाल रही हूँ मैं सूखा धनिया, लाल मिर्च, हल्दी, अब जाएगा पूरा लेमन अदरक, पूरा लेमन जूस जाएगा इसके अंदर, और दही मिला के अच्छी तरह मिक्स करके इसको ओवन में रख देते हैं। इसमें मैंने डाला दही, अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स हो चुके, अब इसको ओवन में रखते हैं और इसको तकरीबन 1 घंटा पका लेते हैं ओवन में। इसको मेरा ओवन थोड़ा गंदा हो गया, ठीक है, ये गया ओवन में। डर लगता है कि जल ना जाए, इससे भी गिर गया थोड़ा सा, फिर साफ करना मुश्किल होता है इसको। अच्छा जी, चला गया ओवन में, ओवन को कर देंगे बंद और इसको हम कर देंगे 200 पे। 200 पे मैंने इसको रखा है, तकरीबन 1 घंटे के लिए हम इसको बेक करेंगे। बड़े मज़ेदार बनेंगी बिरयानी इंशाल्लाह। और चार गोश्त में जो मसाले हमने डाले थे वही इसमें, मस्टर्ड ऑयल है, नॉर्मल ऑयल है, और बाकी मसाले मैंने इसमें सब डाल लिए। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और उसको हम मिर्चों में भर लेंगे। वही सेम मसाले हैं जो मैंने उसके अंदर डाले हैं, अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और 2 मस्टर्ड ऑयल की खुशबू आ रही है, मैं क्या बताऊँ आपको। अच्छा ये देखें कितना अच्छा अचार का मसाला घर पे बन जाता है। तो अब हम इसको मिर्चों में भर लेंगे। मिर्चें अभी मैंने धोनी है, नीचे रखी हुई हैं, अभी उनको धो के इसमें भरती हूँ, ठीक है। गोश्त अभी मैं खोल के देखती हूँ गला ही नहीं, अब फ़ोन कैसे बंद करूँ। गोश्त को मैंने खोल लिया है, अब चेक करती हूँ इसका क्या बना है।
देखिए इसका कलर आप चेक करें, ये अभी नहीं गला है, इसको एक दफ़ा और चलाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम। चिकन कढ़ाई के लिए मैंने सबसे पहले ऑयल लिया, ऑयल में डालेंगे ज़ीरा, अच्छा सा ज़ीरा, ज़ीरे वाली कढ़ाई कह लें इसको, इसमें डाल दिया। इसमें जाएगा एक टुकड़ा दालचीनी का, एक टुकड़ा जाएगा मोटी इलायची, थोड़े से इसके अंदर जाएंगे लौंग और काली मिर्च थोड़े से, और बस इसके अंदर आप डालेंगे हम खूब सारा प्याज, तकरीबन 4-5 प्याज में इसमें डालेंगे, तकरीबन 4 किलो के करीब ये मसाला गोश्त बनेगा। तो मैंने ये कढ़ाई में डाल दिया है प्याज, अब सुर्ख हो रहा है, अब इसमें हम ये चिकन डाल देंगे। होगा तो हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, फिर डालेंगे हम इसमें मसाला, और फिर डालेंगे टमाटर, इसको भून के फिर डालेंगे दही, फिर भून के फिर हमारा मसाला चिकन बन जाएगा। अब मैं इसमें डालती हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट, यहाँ लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, इसको अच्छी तरह हिला लेते हैं। मैं मसाले, कश्मीरी लाल मिर्च, कढ़ाई मसाले का एक चम्मच, हल्दी, सूख मिर्च, सूखा धनिया, और इसमें चाहिएगा अब नमक टेस्ट के हिसाब से, और इसको अच्छी तरह मिला के भून के फिर हम इसको डालेंगे टमाटर। तो हमने इसमें मसाला डाला था, इसको अब मैंने 2 मिनट भूना है, अब इसमें मैं डालने लगी हूँ टमाटर, इसको ढक के हल्की आँच पे हम पकाएंगे जब तक चिकन पक नहीं जाता, और फिर हम इसको भून के, और फिर मैं देखूँगी दही डालने की जरूरत पड़े तो दही डाल के भून लेंगे। फिर अभी इसमें डालते हैं टमाटर, तकरीबन 1 किलो के करीब टमाटर डालेंगे इसमें, अब इसको ढक के हल्के आंच पे पकाएंगे और फिर इसमें दही डाल, और टमाटर डाल दिए हैं कि मुझे लग रहा था कि थोड़े हैं, अब इसको ढक के पकाएंगे, फिर इसको मैं आपको दिखाऊंगी। इधर हमारा गोश्त गल चुका है, जो अचार गोश्त के लिए था इसको मैंने सरसों का तो ऑयल डाल के अब इसको भून लेते हैं, फिर इसमें मिर्चें रख के दम लगाएंगे। गोश्त यहाँ पे भून चुका है, अब मैं मिर्चों में भरती हूँ मसाला, और इसके अंदर रख के थोड़ी देर दम देंगे ताकि मिर्च थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं। इनके 3 टुकड़े कर लेते हैं मिर्चों के, और फिर हमारा अचार गोश्त बन जाएगा। बिरयानी के लिए मसाला तैयार करके रख लिया है, चिकन यहाँ मेरा डन हो चुका है, ये देखें आप, खोल के थोड़ा सा दिखा देती हूँ, ज़बरदस्त चिकन बन चुका बिरयानी के लिए। और अब मैं चिकन यहाँ पे बिल्कुल डन हो चुका है, बिल्कुल गल चुका है, ऑयल इसने अपना छोड़ दिया है, तकरीबन थोड़ा सा दही डाल के इसको 2-3 मिनट दे देंगे दम पे, बस फिर इसको चूल्हा बंद करके इसको गार्निश करेंगे, सर्व करेंगे। इधर हमारा चार गोश्त है रेडी हो चुका है, देखिए आप, इसको अभी मैंने छेड़ा नहीं है, इसको चपटी शॉर्ट करेंगे फिर हिलाएंगे। तो उधर बिरयानी का मसाला तैयार हो चुका है, बस थोड़ा बहुत काम अब रह गया, इंशाल्लाह चिकन मसाले वाला हमारा बन के तैयार है, इसको कर देंगे बंद, उसको सर्व करेंगे, गार्निश करेंगे, फिर आपको दिखाऊंगी फाइनल। यहाँ पे मैंने चावलों के लिए बिरयानी के लिए मसाला बनाना शुरू कर दिया, प्याज डाल दिए इसके अंदर, चावल भिगो दिए हैं, मसाला मेरा तैयार था, इसके अंदर मैंने 2 चम्मच बिरयानी मसाले के डाले हैं, नमक डाला है, ज़ीरा डाला है, बाकी साबुत मसाले हैं और नमक है, बाकी जो मसाले होते हैं। प्याज हमारे थोड़े से लाल हो चुके हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डाल देंगे, लहसुन अदरक थोड़ा भुन चुका तो इसमें टमाटर डाल देंगे, तकरीबन 1/2 किलो के करीब टमाटर है इसमें। चावलों के लिए पानी उबलने के लिए रख दिया है, और साथ ही हम इसमें अपने मसाले ऐड कर देंगे,
अच्छी तरह इसको भूनेंगे। चिकन कड़ी को डिश आउट कर लिया है, इसको थोड़ा सा सजा देंगे और फिर सर्व करेंगे। मैं वापस आ चुकी हूँ। चावल जो है 60% हमारे हो चुके हैं। चिकन मैंने ओवन से निकाल लिया, देखिए आप कितना अच्छा तरीके से चिकन तंदूरी हमारा बना है। और ये जो मसाला है हम ये भी यूज़ करेंगे। मसाला हमारा बिरयानी का बन चुका है, धनिया और लेमन मैंने काट के रखे हैं, पुदीना है इसमें, हरी मिर्च है। ये हम आप लेयर्स लगाएंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें आधा मसाला हम निकाल लेते हैं। मैं ज़रान भूल गई हूँ, फिर मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, अब रहने देती हूँ। ऐसे लगाती हूँ उसको दम। मैं थोड़े से फ्राइड ऑनियंस ले लिए। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें हम डालेंगे अपने चावल आहिस्ता आहिस्ता करके, जो नीचे वाला मसाला है। चूल्हा नीचे से हम ऑन कर देते हैं और इसके नीचे हम ये प्लेट रखेंगे पहले, ताकि चावल लगा के हमने चिकन डाल दिया। चिकन डालने के बाद हम इसका सब मसाला अपना डाल देंगे, प्याज डाल देंगे। आप देखें कलरफुल बिरयानी कैसे बनेगी। धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, फ्राइड प्याज, प्याज और चीज़ें अब जाएगी। चावल फिर मिल जाएगा, मसाला और दम डाले। हमने मसाला डाल दिया बिरयानी का, फूड कलर डाल दिया, दम दे देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। हमारी चिकन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई ये मसाला बंद हो जा, क्या हो गया इसको। इसके बाद हमारे समोसे रेडी हैं। ये मैंने डिशेस निकाली हैं, इग्नोर भाई वेटिंग काउंटर, वो साफ हो जाएगा। बिरयानी का दम खोलते हैं, देखिए शानदार बिरयानी। मैं इसको डिश आउट करूंगी, फिर आपको दिखाऊंगी। ये देखिए जी, हमारी बिरयानी डिश आउट हो चुकी है। Yeah.